वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो जैसे कि आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा था मेरी चैनल पे, काफ़ी ज़्यादा उस ब्लॉग का आपने प्यार किया और ये उन्हीं की शॉप है और ये है एक्चुअली निकोल। में एड्रेस में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और यहाँ पे गाइस कलेक्शन देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। तो बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कलेक्शन, देखो यार, मतलब इसमें वुमेंस में काफ़ी कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा और इनके पास काफ़ी ब्रांड के साथ ये लोग काम करते हैं। तो सर से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर जी, थोड़ा हमारे इसको बताएंगे कि अपनी शॉप पे कौन सी ब्रांड की साइकिल अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे हीरो कंपनी की है, A1 कंपनी की है, 91 की है, और जैसे कि कोई इंपोर्टेड में चाहिए तो इंपोर्टेड में मिल जाएगी। फैट बाइक है, जैसे कि फैट बाइक में अवेलेबल है अपने पास, गियर वाली सारी मिल जाती है, हाइब्रिड मिल जाती है। ओके, सारी अवेलेबल है, ब्रांड्स भी अवेलेबल है और मॉडल्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा सर, अगर आपसे कोई साइकिल ले जाता है तो उसकी सर्विसिंग वगैरह कैसे करते हैं आप? सर्विसिंग थ्री मंथ तक फ्री सर्विस होती है हमारी। ओके, उसके अलावा चार्जेबल होता है, नॉर्मल चार्ज पे हम फ्री सर्विस करके देते हैं। मतलब फ्री सर्विस तो हमारे साइकिल बेचने के बाद में 3 महीने तक की होती है। ओके, उसके बाद में हमारे जो चार्जेबल सर्विस है वो भी हमारा सारा काम होता है, रिपेयरिंग वगैरह ये सब कुछ होता है। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी बात है, जैसे आपने जरूरी नहीं कि आपने इस शॉप से साइकिल ली हो, अगर आप कहीं से भी आपने साइकिल परचेज की हो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। निकोल में गंगोत्री सर्कल के बिल्कुल पास में इनका शॉप है, एड्रेस पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाता हूँ। मेरे पास हर तरीके की रेंज है, इसमें 5000 से लेकर के जो MTB साइकिल होती है 5000 से लेकर के 15-17-20 हज़ार तक की भी साइकिलें अवेलेबल मिल जाती है। ओके, इस देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी ऐसे ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे मैंने आपको साइकिल की मार्केट दिखाई, पर अगर आपको ब्रांडेड चाहिए ना, वो भी रेडी कंडीशन में चाहिए, यानी रेडी स्टॉक में चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो रेडी स्टॉक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कोल्ड मॉडल, और कलर देखो इसका, फिनिशिंग देखो यार, हीरो की है, मतलब भी गारंटी वारंटी तो होगा ना सर? सब कंपनी गारंटी वारंटी सब देती है, गारंटी आती है। सर्विस प्राइस है इसका, ये 7000 रुपये की रेंज आ रही है, 7000 की साइकिल है, 7000 के आसपास। नॉर्मल जो साइकिल होती है 5000 से शुरू हो जाती है। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्टील रिम आती है, लोहे की रिम बनी होती है, इसमें एल्यूमिनियम की रिम बनी हुई है। ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल है, बहुत अच्छी साइकिल है गाइस। A1 के कलर्स देखो यार, सब बढ़िया है इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हो गाइस A1 के कलर्स कंडीशन। मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपको देखने हो तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है सर, ये जो स्क्रीन पे हम कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो आप उनको फोटोग्राफी वगैरह भेज देते हैं। हाँ, भेज देते हैं। इसके अलावा इनके पास काफ़ी कलेक्शन है, कोल्ड में देख सकते हो, मैंने आप में दिखाया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी मॉडल्स है। और दूसरा एक ब्रांड आप बोल रहे थे 91 में दिखाएंगे? हाँ, बढ़िया साइकिल आती है गाइस। कलर कॉन्सेप्ट देखो यार, मतलब 91 में सिल्वर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अंदर, एंड कलर कॉन्सेप्ट काफी 91 का सर कलर कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा आता है ना उनका, कलर का है थोड़ा सा, कलर इनका बढ़िया होता है, नए नए स्टिकरिंग और इनके फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है 91 वालों का। गाइस फैट बाइक तो मैंने आपको काफी दिखाई है, और ये फैट बाइक जो है वो थोड़ी सी अलग है, इसके कलर कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखो यार, वाह यार, यहाँ देख सकते हो गाइस। सर ये कौन सी कंपनी की है थोड़ा बताएंगे हमको? ये इम्पोर्टेड साइकिल है, इम्पोर्टेड साइकिल है, प्राइस पॉइंट भी इसकी बहुत अच्छी है। वाह, प्राइस पॉइंट में आप देखोगे तो 10000 रुपये की है, उस पर 5% ले जाता है, 9500 रुपये में क्या बात है, फैट बाइक दे रहे हैं गाइस। ये साइकिल देखो यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलर्स कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देख सकते हो पैरोट कलर का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया हुआ है, और ये सिर्फ 9500 की है, प्राइस में भी कम है, और इसकी जो डिज़ाइन है वो शेप देखो साइकिल का, इस किस तरह से शेप है इनका, इसमें और काफ़ी डिज़ाइन की होगी ना आपके पास कलर से? ओके, यहाँ पे कलर भी अवेलेबल है। साइकिल में भी नया ट्रेंड चल रहा है बैटरी साइकिल का, बैटरी वाली साइकिल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डे बाई डे बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बैटरी वाली साइकिल में आपको दिखाना चाहूँगा। वाओ गाइस, ये हीरो का है, हीरो का इलेक्ट्रो साइकिल है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैटरी से साइकिल चलती है, पैडल भी आप पार करके ये साइकिलिंग कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये पूरा कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, और कवर भी लगाया हुआ है। हाँ, जैसे कि ये थ्रोटल है, थ्रोटल ऑपरेट करोगे तो अपने आप साइकिल चलने लग जाएगी, जिसमें कस्टमर को पैडल भी मारने नहीं पड़ेंगे और अपने आप ही से साइकिल। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मल पकड़ने का है, नॉर्मल पकड़ने का है, और ये जो है बैटरी पे, क्या बात है, स्पीड भी काफी अच्छी है इसकी, नॉर्मल स्पीड होगी ना इसकी, नॉर्मल स्पीड जैसे 20-25 की स्पीड आ जाती है, बच्चों को चलाने के लिए उतनी स्पीड ना हो जाए, एंड अगर किसी को पैंडल से चलानी हो तो भी इसकी स्पीड ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, डिस्क ब्रेक दोनों साइड दिया हुआ है, H3 मॉडल है, हीरो कंपनी का साइकिल है, इलेक्ट्रो साइकिल। इसकी सर प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है जैसे बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? ये वाला मॉडल जो है 28500 का है। ओके, अब इसके अंदर एक और मॉडल आता है H5 आता है, उसमें फ्रंट शॉकर आता है, डबल डिस्क ब्रेक आती है, उसका प्राइस है 29000 रुपये। अभी इसकी जो बैटरी है सर वो कितना टाइम तक थोड़ा चलती है बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? इसकी बैटरी विद पेडलिंग 35 किलोमीटर चलती है, जैसे कि अगर आप पैडल साथ में लगाते हो तो, वरना पैडल नहीं लगाते तो 25 किलोमीटर तो कंपनी क्लेम कर रही है, और 25 किलोमीटर चलती भी है। ओके, उससे ज़्यादा ही चलती है, चार्ज कर सकते हैं,
और ये कितने टाइम में सर फुल चार्ज हो जाती है? ये 3 से 4 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में। नहीं होता सर, इसमें स्टॉक अवेलेबल रहता है? अगर किसी को अवेलेबल रहता है, मान लो कभी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है तो 2 से 3 दिन में हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। किड्स के अंदर हमारे पास छोटे बच्चों की साइकिलों के अंदर एक से बढ़कर एक साइकिल है, जिसके अंदर सब जो बच्चों को कलर पसंद आते हैं उस तरीके की साइकिल, वो भी ब्रांडेड हीरो और एवन। कलेक्शन देखो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कलेक्शन है। आपको जो कंपनी की साइकिल चाहिए, जो मॉडल चाहिए, जो कलर चाहिए, सब अवेलेबल है। ऐसे होती है जैसे पिंक कलर की, ये क्या प्राइस है? पिंक कलर में जैसे कि ये वाला मॉडल है 3500 का आ जा रहा है, 3300 रुपये का। ये वाला मॉडल है 4000 रुपये का आ जा रहा है। ओके, ये 16 की साइज की साइकिल है। अब इसके अंदर जैसे कि आप कोई भी कोई अच्छा मॉडल लेने जाएंगे ऊपर वाला, तो 5000, 5500, 6000 तक की भी साइकिल है, इसमें सब अवेलेबल है। 6000 का मॉडल है, 6500 का। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो प्राइसिंग सर लिखा हुआ है 6500 रुपये, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह होता है कस्टमर के लिए? 5% कस्टमर को 5% डिस्काउंट भी देते हैं हर साइकिल के ऊपर। ओके, जो हमारे रेगुलर कस्टमर है, जो हमसे आज से नहीं तकरीबन समझो कि हमारी 40 साल पुरानी साइकिल की दुकान है, हमारे फादर ने इसको शुरू किया था, और हमारे पास आज की तारीख में भी ऐसे ग्राहक आते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं हमको कि मैं मेरी साइकिल लेके गया था और उनके पोते के लिए साइकिल लेने आ रहे हैं। क्या बात, ऐसे ग्राहक भी आज की तारीख में हमारे पास आ रहे हैं। गाइस, पुरानी दुकान है हमारी, जैसे मैंने बताया ये काफी ज्यादा ओल्डेस्ट शॉप है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था देवी साइकिल का, वो एक्चुअली ठक्कर नगर रोड बोलते हैं उसको, राजेंद्र पार्क चार रास्ता, सोनी की चाली। ओके, सोनी की चाली, और ये सबसे पुरानी शॉप है। ओके, वहाँ पे नितिन सर बैठते हैं। हाँ, वहाँ का हमने वहाँ का वीडियो बनाया था, काफी ज्यादा मतलब कस्टमर्स आए वहाँ पे, काफी रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि ये शॉप को भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिले और इनके पास कलेक्शन बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, प्राइसिंग में अहमदाबाद में कोई भी ऐसी साइकिल की शॉप नहीं है जहाँ पे आपको ऐसी प्राइसिंग मिलेगी, बिकॉज इनकी प्राइसिंग कम से कम है और इनकी क्वालिटी बेस्ट है। एंड इसके अलावा सर, वो जो गाड़ियाँ आती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और बाइक्स आती है, वो रखते हैं हम लोग यहाँ पे? जी, बिल्कुल रखते हैं। सो गाइस, अभी हम पीछे वाली शॉप पे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा निकोल का गंगोत्री एरिया है, तो यहाँ पे इनकी शॉप है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ एक बार, ये शॉप देख सकते हो गाइस। हीरो का इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, इसलिए हीरो का बोर्ड लगाया हुआ है। ये देवी एम्पायर में हम लोग अभी अवेलेबल है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे वाली शॉप पे, वहाँ पे सब बच्चों का और किड्स का कलेक्शन होता है, तो वहाँ चलते हैं। गाइस, अभी हम लोग आके किड्स सेक्शन पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूटर्स में, बाइक्स में, स्कूटर्स में, गाड़ी जो आती है इलेक्ट्रॉनिक बच्चों के लिए, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कलेक्शन है। यहाँ पे मर्सरीज अवेलेबल है, यहाँ पे फोर्ड का अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हो BMW मर्सरीज अवेलेबल है। सारी ब्रांड आपको मिल जाएगी सर, ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आप बेच रहे हो, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे अभी ये वाली है BMW का मॉडल है, स्पीड का ये वाली कार है, ये सब कारों के अंदर समझ लो कि आप 7000 शुरू हो जाती है जीप के अंदर। ओके, और छोटी कार में लेंगे तो छोटी कार के अंदर 6000 शुरू हो जाती है। ओके, या बाइक वगैरह भी। तो इसमें गारंटी वारंटी आता है सर कि नहीं आता? सर ये सब एक्चुअली चाइनीज मटेरियल होता है, तो अभी हमारे इंडियन के अंदर ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुआ है। ओके, लेकिन ये कितना टाइम चलती है? जैसे अभी कोई ले जाए, कोई कंप्लेंट नहीं आती है, बाकी रिपेयरिंग सब हम जवाबदारी लेते हैं। ओके, गाड़ी बेचने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम हो कस्टमर को, हम उसका सर्विस तो इसका भी सर्विस करते हैं आप? सारा कुछ सर्विस हमारे यहाँ हो जाता है, कोई भी मतलब स्पेयर खराब हो जाता है मान लो, स्पेयर भी मिल जाता है। क्या बात है, इसके स्पेयर पार्ट भी मिल जाते हैं गाइस, सबसे मेन चीज़ है। और ये गाइस ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी, आपने देखा होगा किक स्कूटर बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते, देख सकते हो गाइस, एक पैर से चला करके अपने चला सकते हैं, इसको किक स्कूटर बोलते हैं। ये इससे बच्चों के लिए होता है कि नहीं? हमारे से बड़े भी चला सकते हैं, मैं आपको चला के दिखाना चाहूंगा। क्या बात है गाइस, चला के दिखा रहे हैं सर। छोटा था तब मेरे को तो मौका मिला नहीं, पर जब मैंने बेचना शुरू किया तब मेरे को ये आइटम बहुत अच्छी लगती थी। वाह, ओके, मतलब ये कैपेसिटी उठा सकता है आराम से? आराम से। क्या बात है, इसकी प्राइसिंग क्या है सर? ये 2500 का है, 2500 का ओनली। यहाँ पे देख सकते हो स्पोर्ट्स बाइक में इनके पास काफी कलेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इस, मैं इस वीडियो में ज्यादा वैरायटी नहीं दिखा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि इनके पास काफी ज्यादा कलेक्शन है, और ऐसा कलेक्शन आपको अहमदाबाद में कोई भी शॉप पे देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बच्चों की किड्स की साइकिल हो, चाहे वो ऐसी इलेक्ट्रिक टॉय साइकिल हो, टॉय कार हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए भी कलेक्शन है यहाँ पे, एंड इसके अलावा काफ़ी कलेक्शन है। ये देखो,
हाँ भाई देखो गाइस, काफ़ी कलेक्शन इनके पास आपको मिल जाता है। एंड ये जो अभी छोटे बच्चों के लिए आता है गिफ्ट देने, अभी ये गिफ्ट वगैरह में चलता है ना ज़्यादा? हाँ, ये वॉकर है, बच्चा जब चलने सीखता था तब उसकी जरूरत पड़ती है। क्या बात है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया शॉप है, और इस शॉप पे विजिट करो गाइस। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है, आप मुझे सजेस्ट करते हो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना जिनको ये वीडियो की जरूरत है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी साइकिल पसंद आई। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।